CSS का शेड्यूल आ गया है और 14 फेब से शुरू हो रहे हैं। 14 फेब को सबसे मुश्किल पेपर है इंग्लिश। ऐसे ऐसे की टिप्स मैं दे चुका हूँ आपको, वीडियोस में मिल जाएंगी CSS की। फिर उसके बाद है इंग्लिश के, इंग्लिश के वाले से भी ठीक ठाक मटेरियल है। इंग्लिश की अलग से प्लेलिस्ट मौजूद है, CSS इंग्लिश की प्लेलिस्ट भी मेरी आपको चैनल पर मिल जाएगी जिसमें अच्छा खासा मटेरियल है। जनरल साइंस एंड एबिलिटी में IQ भी आता है, तो ज़ाहिर है IQ की प्लेलिस्ट मौजूद है, बायोकेमिस्ट्री की प्लेलिस्ट मौजूद है। करंट अफेयर्स ये सिलसिला मैं इंशाल्लाह जल्दी शुरू कर रहा हूँ, आपको इंग्लिश उर्दू दोनों में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलेंगी। पाकिस्तान से रिलेटेड भी काफ़ी कुछ आपको जनरल नॉलेज में मिल जाएगा। 17 तारीख को करंट अफेयर्स है, 18 को पाकिस्तान अफेयर्स है, 19 को इस्लामियात है। देखिए ये 6 कंपलसरी सब्जेक्ट होते हैं और बड़ी हद तक आपको आइडिया पहले दिन ही हो जाता है अगर आपसे ऐसे अच्छा हो गया। ठीक है, सबसे ज़्यादा तो इसलिए मैं ऐसे पे देता हूँ क्योंकि अगर देखिए जिस दिन आपसे ऐसे अच्छा हो जाएगा बाकी पेपर भी कर लेंगे। फ़र्ज़ करें आपसे ऐसे ही बहुत ख़राब हुआ, आप आगे कैसे करेंगे। फिर इसी तरह इंग्लिश हर सब्जेक्ट के लिए अच्छी होनी चाहिए। जनरल साइंस एबिलिटी जब मैं पढ़ाता हूँ तो इन सब्जेक्ट पर ही ज़्यादा तवज्जो देता हूँ। किन किन पे? ऐसे पे, इंग्लिश पे, जनरल साइंस एंड एबिलिटी, करंट अफेयर, पाकिस्तान अफेयर। इस्लामियत में है कि नोट्स अच्छे होने चाहिए, रेफरेंसेस अच्छे होने चाहिए तो आपको मार्क्स मिलते हैं। करंट अफेयर्स के कुछ टॉपिक्स में मज़ीद अभी कराऊंगा, वो देखते रहिएगा। जनरल साइंस एंड एबिलिटी का आप मेरे चैनल से कंप्लीट प्रिपरेशन कर सकते हैं, इंग्लिश के भी कर सकते हैं। आखिर के दिनों में अब आप ज़्यादा से ज़्यादा जो रीडिंग करनी है वो सिंपल वो चीज़ें करें जो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट ना हो। ऐसे कि अगर प्रैक्टिस करना चाह रहे हो तो मैंने कहा था कि आप मेरा ईमेल नोट कर लीजिए और उस पर आप मुझे मेल कर सकते हो, ऐसे को रिफ़ाइन करके मैं आपको सेंड कर दूंगा, ये तो आपके लिए हेल्प हो जाएगी। तो बस लास्ट टाइम पे जो है, अब आप एग्ज़ाम से एक हफ़्ते पहले यानी 7 फेब से सिर्फ ऐसे और इंग्लिश की प्रिपरेशन कीजिएगा। इसका अलावा बाकी सारी प्रिपरेशन आपको पहले कर लेनी चाहिए। कंपलसरी सब्जेक्ट को ज़्यादा फोकस कीजिए। अभी 20 जनवरी तक, 20 जनवरी के बाद 10 दिन आप रखें, 8, 9, 10, 11 दिन जो हैं वो रखें ऑप्शनल सब्जेक्ट के लिए, और उसके बाद 1st से 7 तक सबको रखें, फिर 8 से ऑनवर्ड्स इंग्लिश और ऐसे। इस प्लान को फॉलो करें, इंशाल्लाह बेहतर होगा।